नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग टीवी और मैं हूं आपके साथ कंचन। सरकार द्वारा बनाई गई सहकारी समितियों के धान खरीदी केंद्रों में व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में एक मामला रीवा जिले के धान खरीदी केंद्र जवा क्रमांक 1 का सामने आया है, जहां पर SDM त्योथर की मौजूदगी में किसानों के आग्रह पर तौल कांटे की जांच कराई गई तो पाया गया कि तौल में उपयोग किए गए कांटे 1 किलो प्रति बोरी ऋणात्मक पाए गए हैं, मतलब यह कांटे 1 किलो कम तौलते हैं। लेकिन किसानों के लिए सबसे बड़ी दुर्दशा की बात यह है कि SDM त्योथर द्वारा तत्काल उन कांटों को जब्त किया जाना चाहिए था, लेकिन जब्त नहीं किए गए, बल्कि किसानों को इतना कहकर आश्वस्त किया गया कि रात में कांटे बदल दिए जाएंगे। इतना ही नहीं, किसानों द्वारा लिखित आवेदन कलेक्टर रीवा के नाम पर तहसीलदार जवा को दिया गया था, जिसमें किसानों की मांग की है कि 20 नवंबर से 8 दिसंबर तक जिन किसानों की खरीदी की जा चुकी है, उन सभी किसानों को 1 किलो प्रति बोरी माइनस की दर का भुगतान कराया जाए एवं खरीदी केंद्र की जांच कराई जाए। जांच में गलत पाए जाने पर पदस्थ सभी खरीदी केंद्र के कर्मचारियों पर कानूनी कार्रवाई हो। किसानों की धाल तौल के बाद तुरंत तौल पर्ची दी जाए, जिससे किसानों को तौल पर्ची के लिए 4-5 दिन के चक्कर नहीं काटने पड़े। उक्त सारे खेल के अलावा यह भी सामने आया है कि शासन द्वारा खरीदी केंद्र जवा को 45,000 बोरियां किसानों की धान खरीदी के लिए दी जा चुकी हैं, जहां पर खरीदी की गई कुल धान की मात्रा 9,264 क्विंटल 59 किलो है। भंडारण को भेजी गई मात्रा 6,768 क्विंटल 99 किलो है। खरीदी की गई धान की कुल कीमत 1,73,06,297 रुपये है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि 23,162 का इस्तेमाल किया गया है और 21,838 बोरियां कागजों में बैलेंस में है, लेकिन मौके पर एक भी नहीं है, जिसके बदौलत किसानों की खरीदी नहीं हो पा रही है। इन सब खेल का जिम्मेदार आखिर कौन है? उक्त माजरे से लगता है कि जिम्मेदार प्रशासनिक अमलों की मिलीभगत झलकने लगी है और व्यापारियों को संतुष्ट करने किसानों की धान खरीदी प्रभावित की जा रही है। अब सवाल यह उठता है कि किसानों की समय सीमा खत्म हो रही है और बोरियों के अभाव में उनके धान की तौलाई नहीं हो पा रही है, तो क्या उनको अतिरिक्त समय दिया जाएगा? क्या बोरियों के हिसाब और बोरियां खरीदी केंद्र जवा को मिल पाएंगी? क्या इन जिम्मेदार अधिकारियों के कारनामों का खामियाजा किसान ही भरता रहेगा, या इसी तरह के हाथों से किसान लुटता रहेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, गुड मॉर्निंग टीवी। थे वो बोले थे तत्काल टैंकर की व्यवस्था करवाते हैं, एक बूंद इसमें कहीं एक बूंद पानी मिल जाए तो हम क्या बताएं। कहीं भी आप हमारे कैमरा देख लीजिए, SDM साहब खुद वहीं पर बोले थे कि हम कल तत्काल पानी की व्यवस्था करवाते हैं। आज तक कोई 15 लीटर का एक डिब्बा नहीं है किसानों के लिए पानी के पीने की कोई व्यवस्था नहीं। पूरे किसान ठहरे, कोई भी बोल प्राइवेट आदमी से पानी लो तो पैसा लेता, पानी देगा। जब पैसा किसी से मांगो तो पानी मिलता है। समिति द्वारा कोई व्यवस्था नहीं की गई? कोई व्यवस्था नहीं भाई। समिति पर मांगा था कल दोपहर से, बोल रहे कल दोपहर से उनका पता नहीं है कहाँ है। SDM महोदय भी मैनेज है, सब आते हैं चले जाते हैं, सब तहसीलदार भाई सब अपना फील्ड घूम के दोपहर से पता नहीं। अब ये पता चलता है कि भाई कहीं मारपीट हुई है बोलते हैं भाई, इसके अंदर कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं, इसके अंदर कुछ भी नहीं, इसके अंदर कुछ नहीं हुआ। अब वो बोलते हैं क्या हम लोगों को नहीं मालूम, बाहर खाद के परमिट के लिए हुआ अभी उनका क्या हुआ। मैंने किसानों के साथ जो यहाँ तौल के लिए कांटे रखे गए हैं वो 1 किलो पर बोरी माइनस बता रहा है, तो किसानों से मतलब 1 किलो ज़्यादा एक्स्ट्रा धान ली जा रही है। कल उसको प्राइवेट कांटे से हमने तोलवाया और उसका जब विरोध किया, माननीय कलेक्टर साहब से बात हुई तो SDM साहब आए और 5 कांटों को तोला, सभी किसानों के सामने 1 किलो ज़्यादा बता रहा था। उसके बाद भी ना उसको जब्त किया गया, रात में बोले नाप तौल वालों से इसे हम ठीक करवाएंगे, और उसके बाद समिति प्रबंधक साहब यहाँ से लापता हैं। समिति प्रबंधक का नाम? समिति प्रबंधक बुधसेन वर्मा जी हैं, वो यहाँ से चले गए। शेष यहाँ आज कोई कर्मचारी नहीं है, जो किसानों का कल बारदाना भरा गया उसका कोई यहाँ उसको गिनती करवाने वाला नहीं, वो किसान परेशान है। कल जो धान तोलाई गई थी उसकी फीडिंग अभी तक नहीं हो? अरे गिनती नहीं, फीडिंग की तो बात छोड़ो, आज तक गिनती नहीं हो। जो पहले फीडिंग हो गई उसकी भी 3-4 दिन बाद उनको रिसीव दी जाती किसान की, कोई लिखित में नहीं दिया जाता कि कम से कम हाथ से तो पर्ची बना के दें। और जो किसान अपने से तौलाता है उसका भी कोई पेमेंट यहाँ लेखा, जो इनके पास कोई लेबर भी नहीं है, 3-5 लेबर हैं, उन कांटों में सब प्राइवेट लोग किसान अपने गरज में तौलवाता है और उसको अपना भुगतान देना पड़ता है। ये यहाँ की स्थिति है और यहाँ इस समय वर्तमान में जो है आपको परसों से बोरी भरी रखी है, कोई गिनती करने वाला यहाँ पर नहीं है, और यहाँ ना तो कांटा मिल रहा है ना तो कोई देखने वाला है। तौलाई ऊपर से ले रहे हैं, कहते हैं धान फेल कर देंगे, हैं
हम विकलांग आदमी परेशान हैं। यहाँ के कर्मचारियों से आपने बात नहीं की समस्याओं से? बात सबसे कर लिया है। क्या आश्वासन मिलता है? बस भरवाओ धान। फीडिंग करने वाले कोई नहीं, ना कोई गिनती करने वाले हैं। कल भी सारा दिन भूखे प्यासे मर गए, आज भी दिन भूखे प्यासे मर रहे हैं। अनबोरा है। पैसा पाया इस खबर में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप निरंतर बने रहिए गुड मॉर्निंग टीवी के साथ। नमस्कार।